उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। इस्लाम धर्म को मानने वालों लोगों के इस्लामिक साल का पहला महीना मुहर्रम है, जहां एक तरफ समाज के लोग इस्लामिक साल के शुरू होने की खुशी जाहिर करते तो वहीं मुहर्रम की 10वीं तारीख को इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासों की शहादत को याद करते हुए याद में यौम आशूरा मनाया जाता है। यह इस साल 17 जुलाई को मनाया जाएगा। 17 तारीख के मुहर्रम को लेकर शहर की पलटन मस्जिद में शहर का सबसे बड़ा ताजिया लगभग पूरा तैयार हो चुका है। कलाकार सोने चांदी सहित कई तरह की कलम की नक्काशी से ताजिये तैयार कर रहे हैं। ताजे सोने चांदी की कलम की नक्काशी सहित मेहंदी, कांच, लकड़ी और कागज की चादर से बनाए जाते हैं। 2 दिनों तक मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम मनाएंगे। इसके बाद ताजियों को कर्बला में ठंडा किया जाता है। पलटन कमेटी के सेक्रेटरी शाहनवाज ने बताया कि करीब 2 महीने पहले से ही ताजिया बनना शुरू हो जाता है। शहर में 3 ताजिये धोली बावड़ी, अलीपुरा और पलटन का ताजिया मुख्य माने जाते हैं। झीलों की नगरी से मानसून की बरसात रुठी सी लगती है। जानकारी के अनुसार राज्य में मानसून का पहला सत्र करीब संपन्न होने जा रहा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मानसून के पहले सत्र में राज्य में कई स्थानों पर व्यापक बरसात हुई, लेकिन लेक्सिटी पर मेघों की मेहर कम रही। शुक्रवार सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे। लोग गर्मी व उमस से परेशान हो आसमान पर टकटकी लगाए देखते रहे कि शायद अब बरसात होगी, लेकिन इंद्रदेव नहीं पसीजे। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से सड़क के किनारे खड़े एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लखन 19 पुत्र किशनलाल कुमावत निवासी घोसुंडा चंदेरिया हाल नाकोड़ा नगर बेरवास चौकाया के सामने खड़ा होकर वाहन का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान अहमदाबाद की तरफ से आ रही कार ने सड़क किनारे खड़े युवक को चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया, जिसे चिकित्सालय ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने जाँच के बाद मृत घोषित कर दिया। नो पार्किंग में फिर से वाहनों की पार्किंग शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार विगत दिनों यातायात प्रशासन की ओर से अंदरूनी शहर में कई स्थानों पर नो पार्किंग जोन बनाए हैं, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था में व्यवधान न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। इसी कड़ी में शहर के बागोर की हवेली के पश्चिमी संस्कृति केंद्र के मुख्य द्वार के बाहर त्रिपोलिया गेट पर नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगाया व इस पर यातायात के गार्ड को तैनात किया गया, ताकि इस स्थान पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की पार्टी ना हो व शहर भ्रमण पर आने वाले सैलानी परिवार सुगमता से पिछोला झील के गंगौर घाट से झील के विहंगम नज़ारे को देख सके। इसी कड़ी में सैलानियों के समूह पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रमुख का लुत्फ उठा सके। लेकिन नो पार्किंग जोन में प्रतिदिन 2 पहिया व एवं टेम्पो 4 पहिया वाहनों की पार्किंग होना शुरू हो गई। इससे झीलों की नगरी में भ्रमण करने आने वाले सैलानियों के समूह को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के ऐतिहासिक गुलाबबाग उद्यान के नवलखा हनुमान मंदिर के सामने सकिल पर गोलाकार फव्वारा बना हुआ है। फव्वारे के ऊपर यूनानी प्रतिमा लगी है। गोलाकार फव्वारा के होज पानी भरा होता है। फव्वारे के चलने पर फव्वारे के समीप से गुजरने वाले लोगों को फुहारे बड़ा सुकून देती है। जानकारों ने बताया कि फव्वारे के पानी को आए दिन बदला जाता है, लेकिन फव्वारे की नियमित साफ सफाई के अभाव में फव्वारे के टॉप पर लगी यूनानी प्रतिमा धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही है। हौद में बड़ी मात्रा में काय ही काय जमी हुई है एवं फव्वारे की रेलिंग कई स्थानों से जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।